खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी के सीएम योगी ने कहा, हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का बदला लेंगे, विपक्ष है हिंसा के पीछे। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, राजनीतिक दल धर्म के नाम पर लोगों को ना उकसाएं, अफवाह ना फैलाएं। एबीपी न्यूज से बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, नए कानून से मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी नागरिक पर असर नहीं होगा। नागरिकता कानून और एनआरसी पर जारी विरोध पर सरकार ने अखबारों में इश्तहार छपवाए, झूठ और अफवाहों से बचने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, किसने किसको भड़काया ये भूलकर अभी हमें हालात सही करने चाहिए, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। नीतीश की पार्टी जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने अब एनआरसी पर उठाया सवाल, बोले सरकार पर भरोसा कम। कांग्रेस बोली, दिल्ली समेत पूरे देश में कश्मीर जैसे हालात, ये बीजेपी शासन नहीं बल्कि देश में अघोषित आपातकाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, देश भर में हालात रोज खराब हो रहे हैं, सब लोगों में डर है, सरकार कुछ करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यूएन की निगरानी में एनआरसी पर जनमत संग्रह हो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, महाराष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए चर्चा की। आज के प्रदर्शन में कई पार्टियां शामिल रही, यूपी में एसपी, दिल्ली में कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए तो लेफ्ट के नेता भी सड़क पर उतरे। पटना में जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां पहनकर कानून का विरोध किया। नागरिकता कानून के विरोध में लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, विधानसभा के गेट पर एसपी विधायक धरने पर बैठे। बेंगलुरु में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में लिया गया। आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी के 3 राजधानी वाले प्रस्ताव पर भड़क गए किसान, अमरावती में प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा में बोले आदित्य ठाकरे, बीजेपी के दिन पूरे हुए, अब कीचड़ में कमल खिलने वाली बात पुरानी। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार। हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम रघुबर दास के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की, जाति सूचक गाली देने का आरोप।